प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इससे पहले 4 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। अब नए आदेश में इस अवधि को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सभी शिक्षक स्कूल पर उपस्थित रहेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा, 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के विद्यालय 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उसके बाद शासन का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस बीच स्कूलों में चूंकि चुनाव का चल रहा है, पोलिंग पार्टियां जा रही है, उस समय अध्यापक हमारे विद्यालयों पर उपस्थित रहने का निर्देश पूर्व भी दिया जा चुका है, और अगर कोई अन्य कार्य भी है तो अध्यापक विद्यालय पे रहेंगे। कारण की चुनाव जैसा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, बच्चों को विद्यालय किसी भी स्थिति में नहीं पहुंचना है, चाहे वो हमारा परिषदी हो, एडेड हो, मान्यता प्राप्त हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय बच्चों के लिए पूर्ण रूप से बंद है। अगला आदेश जब भी शासन का होगा।